हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचित्स वर्ल्ड। आज के ब्लॉग में आप सभी का खूब सारा स्वागत है एंड थैंक यू सो मच आप लोगों ने प्रीवियस ब्लॉग में जितने भी कमेंट किए हैं। तो इस रूम में अभी हम सारे लोग हैं। यहाँ मैं छुट्टी को गोद में लेके सो रही है, मैं बैठी हूँ क्योंकि शाम के टाइम ऐसे गोद में लेके बैठना पड़ता है। और इसी के साथ मेरा जाने का ऑलमोस्ट सब कुछ फाइनल हो चुका है। पैकिंग वैकिंग कुछ नहीं हुई है, अभी कपड़े वगैरह सब सेट करके पैक करने हैं। पता नहीं क्या पैक होगा क्योंकि वापस कुछ टाइम बाद वापस आना है मुझे। और कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं कि मैं जा रही हूँ, तो उतना ज़्यादा भी खुश मत हो क्योंकि फिर शादी है तो आएंगी। एंड ऑलमोस्ट जो व्लॉग में कमेंट आया था वो सब यही आया था कि दी आप मत जाओ। तो मैंने सारे कमेंट पढ़े और मुझे अच्छा भी लगा। और कुछ कुछ लोगों ने बोला कि नहीं आप जाओ, वहाँ भी आप घर का वो सब मेरे को शेयर करना, क्योंकि बहुत सारे लोग डिटेल चाहते हैं कहाँ घर लिया है, कैसा घर लिया, कितने में लिया है। बहुत सारे लोगों ने मुझे इनबॉक्स में भी DM किया, मतलब इंस्टाग्राम पे। इसी के साथ इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि फेसबुक पे मेरा पेज है सुची प्रदीप के नाम से, आप लोग जाके उसको फॉलो कर सकते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट 5K हमारे होने वाले हैं। तो इसीलिए आई विश कि आप लोग जल्दी से उसको भी सपोर्ट कीजिए और बढ़ जाए। और उसी के साथ साथ सुचिता शॉर्ट्स के चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड बस अब निकलने वाले हैं कुछ ही दिन में। और प्रिंस ने बताया जैसा कि अपने ब्लॉग में, तो 22 तारीख को मिली है ट्रेन, बट टिकट अभी भी पेंडिंग में है। तो थोड़ा मम्मी पापा से बात कराते हैं कि उन लोगों को कैसा लग रहा है। तो मम्मी अब जाने वाले हैं हम, कैसा लग रहा है? अच्छा तो नहीं लग रहा है कि मेरी लड्डू जा रहा है। पहले तुम एगो थी, अब चार जन हो गया है। एगो लड्डू प्रदीप बाबू हुए, लड्डू हुआ, लाडो हुई। अब जाओ आराम से अपने घर जाकर देखो करो, अच्छा है। मेरे जैसा भी अपना घर संभालो, बढ़िया लगेगा। और खुशी की बात है कि अपना घर हो गया है तो देखना ही जरूरी है। उसमें बीबी, बच्चा और हस्बैंड सब लोग हैं, और अपने ससुर को भी लेके जाना, देखना, ध्यान देना। सो गाइस, मैंने जैसा कि बोला था कि मेरे साथ और भी कुछ लोग जाने वाले हैं, तो मेरे साथ जो जाने की अभी चीज़ें हो रही हैं वो पापा जी का हो रहा है, मेरे फादर इन लॉ का। क्योंकि आप लोगों को पता है मेरी मदर इन लॉ है नहीं और पापा जी यहीं पे रहते हैं, क्योंकि उनको यहाँ रहना पसंद आता है क्योंकि बचपन से यहीं पले बड़े हैं। और वहाँ पर मेजर चीज़ें प्रॉब्लम ये है कि लैंग्वेज प्रॉब्लम है, लैंग्वेज बैरियर है, जो कि पापा जी भोजपुरी ज़्यादातर बोलते हैं और हिंदी थोड़ा बहुत बोलते हैं। बट वहाँ पे मतलब जब वो कोयम्बटूर थे तो तमिल ही बोलते थे, कोई हिंदी भोजपुरी बोलता नहीं था, तो इसलिए पापा को उतना अच्छा नहीं लगता। बाकी घर में पैक रहना भी उनको नहीं अच्छा लगता, हम लोग तो एक ही रूम में पैक रहते हैं तो उनको नहीं अच्छा लगता। उनको लगता है कि थोड़ा घूमे, सब्जी वगैरह सब कुछ खरीदे वगैरह। तो पापा जी का भी जाने का प्लानिंग हो रहा है, जैसा भी होगा अपडेट आपको देते रहेंगे। और आप लोग बस बने रहिए व्लॉग में। अभी मिलाते हैं पापा जी से, मेरे पापा जी से, कि उनको कैसा लग रहा है। तो पापा आपको कैसा लग रहा है, हम लोग जाने वाले हैं, छुटकी जाने वाली है? अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा नहीं लग रहा, तो आप लोग भी तो आएंगे फिर बहुत जल्दी। आएंगे तो फिर तो हम लोग आ भी जाएंगे। तो मम्मी मेरे को बोली थी जब लास्ट कोयम्बटूर में गई थी अपना आँख वगैरह बनवाने, तो मैं बोली थी कि मम्मी आइएगा, तो मम्मी बोली कि अब हम तब आएंगे जब तुम्हारा घर हो जाएगा, नहीं तो yes। उसके बीच में भी बहुत बार मैं बोली मम्मी चलिए आप चल लीजिए, मम्मी आप चल लीजिए, तो मम्मी बोलती हैं कि नहीं अब तुम्हारा घर होगा तब आएंगे। यही था कि जब तुम्हारा घर हो जाए या घर आ जाए तब हम जाए। एंड एक चीज़ बहुत कॉमन है जो कि हम लोगों का कैरी फॉरवर्ड हुआ है, मतलब कि मम्मी पापा से हम लोगों में, जब ये घर बनना स्टार्ट हुआ था कितने दिन में बना था? 1 साल नहीं लगा था, तो ये फटाफट सा हुआ था। और वैसे ही भैया का भी, जैसे ही उसने ख़रीदा फिर क्विक उसने काम लगवाया और उन्होंने भी जल्दी से कंप्लीट करा लिया। और वैसे ही मेरा तो और सडन प्लान में हुआ है, हम लोगों को नहीं पता था कि इतना जल्दी वो सब कुछ हो जाएगा। बट गांव का घर बनवा रहे हैं तो 2 साल से ऊपर हो गया, दादा फिर तब से काम। तो भाई उसका जमीन वगैरह कितना बड़ा है, वो बड़ा है, 2 घर के बराबर है, वो 3 घर का बराबर है, तो फिर 3 घर के बराबर है तो टाइम तो लगेगा। जब से काम लगाए तब से दूसरा घर बन गया है, और वही घर बना रहता है।
वही बन गया था, सबका सपोर्ट हुआ था तो। सबके सपोर्ट की भी बात है, और पता पापा को ही अप एंड डाउन करना पड़ता है, गांव यहाँ पे इतना पास भी नहीं है, और उसी के साथ स्कूल भी पापा को मैनेज करना पड़ता है, तो स्कूल मैनेज करो, सुबह उठ के गांव पे जाओ, फिर आओ, फिर जाओ, फिर आओ, तो इस सब चीज़ों में, और ऊपर से शादी वादी जो भी लगन होता है सब पापा ही अटेंड करना पड़ता है, दूर दूर जो भी होता है रिश्तेदार वगैरह में, तो घर की जो चीज़ें होती हैं, रिश्ते होते हैं, वो सब पापा को देखना पड़ता है। और अभी गांव पे मेजर आपका और उनका हाथ था, और अभी आप तो फिर भी यहाँ पे रुक जा रही हैं, जब वो अपना गांव पे बना था घर वो वाला, हाँ, तो आप वहीं पे रहती थी, जाती थी सुबह में, फिर वहीं पे रहती थी, नहीं रहने का सवाल नहीं था, दिन भर वहीं पे रहती थी फिर आती थी, वही बोल रहे हैं कि आप सुबह जाती थी, दिन भर रहती थी और आती थी, तो वो कितने जल्दी बना था वो, तो हम घर तोड़वा के भरभूज भी कर दिया, 8 महीना में बन गया, क्योंकि मेरे को याद है अगस्त में उसका, 6 अगस्त को हुआ था, दिसंबर में 10-11 अगस्त का हुआ है, 11 अगस्त को हुआ था, तो वो भी बहुत क्विक बना है, और 11 अगस्त का हुआ था भरभूज, हाँ 11 अगस्त, क्योंकि मेरा पहला जॉब 15 जुलाई को लगा था, तो मैं जब आई थी तो एक चेक मिला था मुझे, क्योंकि 30 तक का वो चेक था, तो मेरे को मतलब अब हम लोग का घर वो इतना क्विक बना था, और कोई आइडिया नहीं था कि इतनी जल्दी बन भी जाएगा, लेकिन आई विश कि हम लोग यूट्यूब चैनल तब स्टार्ट किए होते, क्योंकि जो मेरे दादी वाला घर था वो भी बहुत प्यारा था, मतलब मेरे को जो घर अच्छा लगता है ऐसे आंगन हो, थोड़ा अच्छा नहीं लगता था आंगन वाला घर, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, तो वो घर वैसा ही था, बाबा घर बोलते थे, बाबा घर था, रसोई घर था, और मम्मी का अलग घर था जो कि कॉमन ही था, और उनके सामने का एरिया भी कॉमन था, रहता था, आता जाता था, और एक चाची का घर था, दुगो चाची का था, एक बड़ी मम्मी का था, फिर बहुत अच्छा था, मतलब कि एक वो उधर साइड में ईटा वाला भी था, वो क्या था, और मेरे घर में 2 दरवाजे थे, ये लोग पीछे से जाते थे, दो वो मेरे रूम में दरवाजा था, इधर से कोई ढूंढेगा नहीं, घर में भी 2 दरवाजा था, एगो पीछे में भी था ना, कुंडिया खोल के जाते थे लोग पीछे, बाथरूम के साइड, पूजा के घर के साइड, एगो पीछे था, फुलवारी पे चढ़ जाते थे लोग, हाँ वही बोल रहे हैं, आगे पीछे फुलवारी था, एक इधर था, इधर किधर, बाबा घर के साइड, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, लेकिन वो कवर कर दिए थे आप लोग, हाँ हाँ, दादा लॉक कर दिए थे ताला, उधर मीट मुर्गा बनता था, तो वो फुलवारी के पास जो जाते थे उससे तो हम बहुत डर गए, क्योंकि दादाजी के घर जाना होता था भाभी के घर, तो पीछे से ही निकल के बिचल जाते थे, है ना, गांव में ये चीज होता था कि वॉशरूम यूज करना होता था, दूसरे के घर भी चल जाते थे, पीछे से चल जाते थे लोग आगे से दादाजी के घर, और पीछे बहुत ज्यादा पेड़ वेड़ था, अब तो कुछ नहीं है, पहले पेड़ था, अब बहुत अच्छा भी लगता था, मतलब गाँव पे तो बहुत जल्दी जल्दी चीजें हो गई है, वो एरिया में, और बस ये कुछ हमारी बातें थी, और अब फाइनली टाइम आ चुका है पैक करने का, सामान क्या क्या पैक होगा पता नहीं, कल मुझे जाना है लड्डू के स्कूल, क्योंकि उसका भी जो एडमिशन है वो मुझे कैरी फॉरवर्ड कराना है, क्योंकि आप सभी को पता है वो यूरो किड्स में पढ़ता है, और जहाँ मेरा घर है वहाँ भी यूरो किड्स है, तो वही एडमिशन कैरी फॉरवर्ड होगा वहाँ पर, बस उसका फ़ी वगैरह मुझे देखना पड़ेगा, जो वहाँ फ़ी होगा वो फ़ी पे करना होगा, बाकी एडमिशन वगैरह किट वगैरह जो मिला वो मुझे लेना पड़ेगा इसका, या फिर वो किट ट्रांसफ़र होगा वहाँ पर, और यूनिफॉर्म वगैरह तो सेम यही वाला लगता है, क्योंकि थ्रू आउट जो भी होता है यूरो किट सेम होता है, तो वहाँ पे मुझे जाके बात करनी है, और उसका कुछ फ़ी वगैरह जो कि मुझे क्लियर करना है, एंड इसी के साथ कल मेरी सारी पैकिंग हो जाएगी, और कल कंफर्म पता चल जाएगा कि मैं जा रही हूँ कि नहीं, तो ये सस्पेंस क्लियर करने के लिए आपको नेक्स्ट वक्त देखना पड़ेगा, और बहुत ही बड़ा सा सरप्राइज़ आने वाला है आप लोग के पास, लेकिन कुछ देर में, सो इसी के साथ करते हैं व्लॉग को एंड, आई होप कि ये छोटा सा व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर खूब सारा सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।